नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे मैजिक वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिनेपल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना सिखाऊंगा। दोस्तों फिनेपल एप्लीकेशन से आप जो है बहुत आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जो यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है। सबसे खासियत इसकी बात ये है कि यहाँ पर आपको जो लो सिविल स्कोर पर यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। उसके बाद में आपके जो है कि ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड कोई भी पर्सन यहाँ से जो है लोन ले सकता है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं इसमें जो है कि आपको एडवोकेट यहाँ पर डिटेल्स बताऊंगा। इसमें बताऊंगा कि आपको क्या यहाँ पर ओवरव्यू रहेगा, यहाँ पर क्या फीचर एंड बेनिफिट है। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या देखने को मिल जाएगा, सब कुछ हम जो है कि इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हमारे चैनल पर फाइनेंस एकेडमी नाम से जाना जाता है। तो हमारे चैनल पर यहाँ पर आपको जो है कि फाइनेंस से रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहेंगे। आपको जो है कि हमारे चैनल से जुड़ जाना है, यानी कि आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जो दिखाई दे रहा है उसको आपको यहाँ पर दबा देना है, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही मैं आपको बताऊँ, आपको किसी भी अदर बैंक से पर्सनल लोन, किसी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन, या फिर आपको जो लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जो लो सिविल स्कोर पर वहाँ से इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हैं। चलो बात करते हैं फिनेपल एप्लीकेशन से आपको किस प्रकार से पर्सनल लोन लेना है। तो आपको जो है कि यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों आपको आ जाना है finable.com पर। यहाँ पर आप जो है कि इसमें अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। इनको कॉन्टेक्ट करने का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप जो कि चाहते हैं कि प्ले स्टोर से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर आपको दिखा दूँ प्ले स्टोर का। यहाँ पर आपको ये इंस्टेंट पर्सनल लोन फिनेबल जैसे आप लिखेंगे, ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। सिंपली आपको जो कि इसको इंस्टॉल वगैरह कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो कि यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। आप चाहें तो इसका ज्वाइन बीटा वर्जन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो कि 4.5 के अराउंड यहाँ पर आपको जो है कि इसका यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है इसका, ठीक है, रिव्यू रेटिंग यहाँ पर आपको इस प्रकार की देखने को मिल जाती है। कुछ बेकार भी है, कुछ अच्छे भी है, बट हर एक का रिप्लाई इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, बट ये RBI NBFC अप्रूव्ड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो इसके बारे में बता देता हूँ। अबाउट दिस एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं 30 मिनट में आप जो कि यहाँ पर 5 मिनट से 30 मिनट के अंदर अंदर आप जो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और जो 50,000 से आप जो 10 लाख रुपये तक यहाँ पर आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फीचर एंड बेनिफिट बताऊँ मैं आपको, देख सकते हैं लोन लो विथ लो के, यहाँ पर आप जो है कि लो क्रेडिट स्कोर के आप अगर है आपका, फिर भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल EMI टेन्योर, यहाँ पर आप जो है कि फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि आप जो है कि जब चाहें तब आपका लोन क्लोज करवा सकते हैं, ठीक है, थीके? तो ये फ्लेक्सिबल होता है। नो हिडन चार्जेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नो कोलैटरल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको कोई भी गिरवी रखने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। लोन विदाउट सिविल स्कोर, ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो कि सिविल स्कोर नहीं है, तो लोन आपका जो है कि यहाँ पर बिना किसी सिविल स्कोर के यहाँ पर आपको लोन देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है नीचे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, 25,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेट्रो सिटी में 15,000 आपका जो है कि Tier 2 सिटी में होना चाहिए। CEZT यहाँ पर फुल टाइम प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब आपकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं, कोई भी प्राइवेट जॉब भी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है आप, तो इनको कॉन्टेक्ट कर लेना। कॉन्टेक्ट करने के बाद में जो है कि इनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है कि जो बता रखा है इसमें, ये सैलरीड पर्सन का बता रखा है। आप जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जो कि उनमें अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, खास बात है कि इनका लेंडिंग पार्टनर इन्होंने बताया गया है खुद ही, कि यहाँ पर जो है कि ये RBI NBFC अप्रूव्ड है। उसके बाद में ये इनके साथ में भी काम कर सकती है, ठीक है। DMI नॉर्दर्न वीवरिटी, उसके बाद में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी बहुत अच्छी बैंक है। TVS क्रेडिट यहाँ पर देख सकते हैं, इतने सारे के साथ में ये काम कर रही है। जो है कि इसके बारे में अच्छे से देख लेना। देन आपको करना क्या है, अब इसको जो है कि इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में आपको सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपके सामने जो है कि अप्लाई करने का आएगा। अब उसके बाद में आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना। देन आई एग्री बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है कि इसकी परमिशन भी अलाउ करनी होगी। देन आपको जो है कि यहाँ पर परमिशन अलाउ कर दीजिए, ठीक है। हैव ए मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी आप जो कि पर्पज़ है आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। 3 स्टेप में मनी इन योर अकाउंट, 1 आवर मिनिमम सैलरी 15,000, उसके बाद में लोन अमाउंट फॉर 25 से यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का आप जो है यहाँ पर्सनल लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको जो है डाल के सिंपली आगे बताता हूँ, OTP आएगा, वो वेरीफाई कर देना आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है आपका पेन नंबर, उसके बाद में आपका पेन में जो नेम है वो, और लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपका जेंडर सेलेक्ट करके सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। सब कुछ मैं फिल करके सिंपली आगे दिखाता हूँ।
नेक्स्ट प्रोसेस में इस प्रकार का आएगा, जैसे आप पैन कार्ड डालेंगे आप जो कि वहाँ पर पूरा नाम पता आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं पिन कोड, कंपनी नेम और उसके बाद में नेट मंथली सैलरी, आप डेजिग्नेशन आप कौन से पद पर वो आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो आपको जो है कि यहाँ पर आपका पिन कोड में अवेलेबल है या नहीं है ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो कि पिन कोड में अवेलेबल नहीं है तो आप जो कि पास वाली सिटीज़ का भी यहाँ पर डाल सकते हैं, देन आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कि अभी मेरे यहाँ पर पिन कोड पर अवेलेबल नहीं है, बट मैं यहाँ पर जो है कि आपको मैं यहाँ पर रह रहा हूँ अभी, यहाँ का पिन कोड डाल के दिखा देता हूँ, हो सके यहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक है, तो मैंने जैसे पिन कोड डाला यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पिन कोड में अवेलेबल है ये वाला। यहाँ पर आपको जो है कंपनी नेम और उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर कंपनी नेम डाल देना है, तो मैं यहाँ पर जो कंपनी नेम डाल देता हूँ, देन आपको बताता हूँ। उसके बाद में आपको जो कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस चूज़ करके सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल्स डाल दी है, आपको जो कि एक और बार यहाँ पर कंफर्म करेगा वो आपका पर्सनल डिटेल्स, देन आपको जो कि यहाँ पर कंफर्म कर देना है, देन आपको जो कि यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर जो एक लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ है, जो भी हमें होगा हम आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है कि हमारा लोन अप्रूव नहीं हुआ, हो सकता है यहाँ पर जो है कि मेरा एड्रेस अलग जगह पे और मैंने पिन कोड अलग जगह डाले हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है कि यहाँ पर अप्रूवल नहीं हुआ है मेरा। तो अब अगर आप जो है कि सही डालेंगे आपका पिन कोड वगैरह सारी डिटेल्स, तो आपका जो है कि यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा। इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ इसके आगे क्या करना है आपको। दोस्तों इसके आगे की प्रोसेस में आपको जो है कि यहाँ पर लोन अप्रूवल में कितना आ रहा है वो आ जाएगा, देन आपको जो है कंटिन्यू करना है। आप चाहे तो वहाँ पर आपकी सिविल स्कोर भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो केवाईसी वगैरह करनी होगी, नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के सिंपली यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसेस बनना, यानी सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको जो कि यहाँ पर आपका यहाँ पर बिजनेस एड्रेस यहाँ पर देना होगा, यानी कि आप जहाँ पर काम करते हैं वो वाला। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरी सिटी वगैरह सब कुछ बता देनी है, देन आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर आपकी ईएमआई कितनी करनी है आपको वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी आपको ईएमआई बनानी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी जो एक लोन अमाउंट इतना है तो आप जो कि कितने मंथ की करना चाहते हैं वो, देन आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करके सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर पूरा ओवरव्यू दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पर स्टेटस में आप चेक करेंगे तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, सिंपली हमने जो है कि यहाँ पर एप्लीकेशन कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन आपने जो है कि यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको जो है यहाँ पर पूरी डिटेल्स वगैरह जो हमने दी वही वाले, सिंपली क्रेडिट स्कोर यहाँ पर जो है कि एनालाइज करके आपको ऑफर दिया जाता है, वेरीफिकेशन पूरा होता है। ठीक है, इसमें आपका जो है कि यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई होता है, उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर ई मैंडेट करना होता है, जो कि आपके यहाँ पर डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक अकाउंट में से पैसा काट लेंगे, यानी कि उनकी जैसे आपकी ईएमआई आएगी वो उस डेट पे काट लेते हैं। ठीक है, देन आपको जो कि यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो लास्ट में डिसबर्स हो जाएगा, तो ये आपको जो है कि यहाँ पर 24 आवर के अंदर अंदर आपको जो कि आपका पैसा बैंक अकाउंट मिल जाता है, वैसे तो हर 10 मिनट में यहाँ पर जो पैसा मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि फिनेबल ऐप से पर्सनल लोन लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली लास्ट में एक और काम करना होगा, सिंपली आपको जो है कि यहाँ पर आपका लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। ठीक है, तो ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ के ये वाला है, देन आपको जो आई एक्स बटन क्लिक करके सिंपली प्रोसीड करना है, देन आपका अकाउंट में जो कि पैसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको जो है कि यहाँ पर लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना, मिलते हैं किसी और अंदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।